हेलो जैन दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिलाजुला रूप है। नेक्स्ट, यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें संविधान की भावी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देश्य का संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, उद्देश्य का को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक अधिनियमों की व्याख्या की जा सकती है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं, क्योंकि मतलब वोट जो इलेक्शन के माध्यम से निर्वाचित किया जाएगा, ना कि किसी का बेटा या फिर बेटी बनेगी। नेक्स्ट, 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रस्तावित किया गया। यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जबकि राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। आइए आगे देखते हैं। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर। नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परवर्ती उपबंध जैसे कुछ अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और उसी दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।